वरदान ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और जाते जाते मलय की जिम्मेदारी मुझे दे गई। मलय का ख्याल रखना। पर वरदान के जाने के बाद मलय तो जैसे हंसना ही भूल गया है। तुम मेरी बीवी नहीं हो तो बनने की कोशिश भी मत करो। पर मलय की कोई भी नाराजगी मुझे अपना वादा पूरा करने से नहीं रोक सकती। मेरे होते हुए इस घर पर किसी की नजर नहीं लग सकती, पर मुझे ऐसा क्यों लगता जैसे हम पर किसी बुरे साए की नजर पड़ चुकी है। आज रात से तुम्हारी बदकिस्मती का दौर शुरू होता है अपू। हे काली माँ, हमारे इस घर पर अपनी नजर रखना ताकि किसी की बुरी नजर ना पड़े। तुम कभी बाज नहीं आओगी। फिर से ये सब तुम बस इन्हीं कामों में अपना टाइम वेस्ट करती रहना। टाइम वेस्ट नहीं, जरूरी काम। ओके, तो आई होप कि तुमने बाकी के जरूरी काम भी कर लिए होंगे, जैसे हल्दी के गेस्ट की लिस्ट चेक करना। हाँ। और आज के फंक्शन की तैयारी, शगुन की हल्दी या ना, ये सब भी हो गया होगा। हाँ, ऑल डन। और आज शाम का मेन्यू और चिकी, खाने का मेन्यू फाइनल हो चुका है और खाना बनना भी स्टार्ट हो गया, और चिक्की के घर शगुन की हल्दी भिजवा दी। और कुछ और अभी के लिए जो मैंने केक मंगवाया था वो भी आ गया होगा, है ना? कहीं भूल गए। ऑफ कोर्स, काम की लिस्ट बनाना तो तुम्हारी शान के खिलाफ है। तुम बस इन सब में अपना टाइम वेस्ट करती रहो। अब अभी का केक कैसे आएगा? ओहो मलय, केक आ गया है और तुम अप्पू को डांटना बंद करो। थैंक यू रानी मासी। रानी मासी नहीं, रानी साहिबा। रानी साहिबा, थैंक यू। एटलीस्ट कोई तो मेरी साइड पे है। हम तुम्हारी ही साइड है, बस तुम्हारी सोच के साइड नहीं है। बेबी इट्स 2016 और तुम्हारी हरकतें हमारी दादी माँ सासी क्यों है? इट्स लाइक 1916 सदी वाली। नो, ये कौन लगाता है नींबू मिर्ची आजकल? मासी एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, हमें बहुत काम है, चलो मेरी मदद करो। हाँ, जो काम एक्चुअली जरूरी है वो पहले कर लेते। ये नींबू मिर्ची मुझे घर से बाहर फेंकना पड़ेगा। मलय, तुम इसके हाथ से नींबू मिर्ची ले लो, कहीं दूर जाकर फेंक दो प्लीज। विद प्लेजर। चले, बहुत काम है अंदर। हाँ, केक तो मंगवा नहीं पाई, एटलीस्ट खाने में हेल्प कर दो।
हमें भी एक छोटा सा पीस देना प्लीज, और बाकी सारा बचा केक मुझे देना। क्यों? ये मेरा फेवरेट केक है। अपू मुझे ज्यादा देना। अरे ये मेरे लिए मंगवाया। छोटे मुझसे पंगा मत ले, समझा? लूंगा। हाय अभिजी। हेलो। वाओ केक। हाय। वो मैंने सोचा हल्दी यहाँ पे है तो ब्रेकफास्ट भी यहीं पे होना चाहिए। चिकी अच्छा किया तुम आ गई, अभी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। आओ बैठो बैठो आओ। थैंक यू। सुनो ना, आपको केक बहुत पसंद है ना, मैं आपके लिए बनाना सीख लूंगी, ठीक है? मंदिरा मासी, रानी साहिबा। ओके रानी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर द केक। एनीथिंग फॉर यू माय लव। वैसे ये स्वीट टूथ बेकरी से आया ना? हाँ। स्ट्रेंज, मैं कल सुबह ही वहां पर गया था पर वो शॉप तो बंद थी, तो आपको कैसे मिला? अभी वो बेकरी सुबह बंद थी लेकिन शाम को खुल गई थी और मैं शाम को गई थी। ओके। उपू, कैसी है तू? आपकी यात्रा कैसी रही? सब कुछ एकदम सही था। काली मंदिर में मैंने शांति पाठ करवाया। भले बेटा, कैसे हो तुम? ठीक हूँ काकी। अभी बेटा सॉरी, मैं कल सगाई में आ नहीं सकी, वो अचानक से मौसम खराब हो गया तो। कोई बात नहीं काकी। काकी आप प्रसाद नहीं लाए? बिल्कुल लाई हूँ। ओपू बांट देना। आप? माँ ये मलय की मासी है, मिथिला की रानी, रानी साहिबा, मंदिरा जी, और ये मेरी माँ है कल्पना। नमस्ते। नमस्कार। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे आप अप्पू की माँ कम बहन ज्यादा लगती है। थैंक यू। अप्पू वो दरवाजे पे नींबू मिर्ची। माँ गिफ्ट मेरे लिए, मैं देखूं? आई ना, वो भी एंटीक वाला। ये कोई ऐसा वैसा आईना नहीं है, ये मंत्रित आईना है, बहुत ही खास। मेरे गुरुजी ने खास करके दिया है मुझे ताकि इस घर में कोई बुरा साया ना पड़े। अभी बेटा इसे एंट्रेंस में टांग देना। जी काकी। नाइस, दिखाओ जरा। इट्स ब्यूटीफुल काकी। आईना? कोई आईना गिफ्ट देता है क्या किसी को? मुझे भी देखना है। मुझे भी दिखाओ। सुनो ना, हम मिरर में सेल्फी लेते हैं, स्माइल। अरे रानी साहिबा, एक बार आप ही मिरर देखिए ना, आपके पास तो ऐसे बहुत एंटीक पीसेस होंगे, आपको इनकी ज्यादा परख है। हमने ऐसे बहुत देखे हैं। इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, और इस आईने में मैं और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, देखिए ना।
पानी लाओ, पानी लाओ। नहीं, मुझे पानी ही पीना है। मैंने मैंने सच में भूत देखा। अरे नहीं, वो भूत नहीं था, भूत नहीं था ये। अरे सफेद बालों वाले भूत नहीं। देखो बेचारी कितनी कंफ्यूज है, कितना कंफ्यूज है इसे। देखो जी बिहेव। अभी जी आप तो समझने की कोशिश कीजिए, मैंने भूत नहीं वो देखा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो गड़बड़ जरूर गड़बड़ है अरे दिमाग में। चलो नहीं, चलो काकी, आई एम सॉरी, आपका मेरा टूट गया। अप्पू उसको जरा साफ करवा देना। कोई बात नहीं मले, शादी के घरों में ऐसा होता रहता है। अच्छा सुनो, हम तुम्हारे लिए अपने एस्टेट से एक बहुत सुंदर शेरवानी लेके आए, कम सी ना। अप्पू प्लीज इसे जरा साफ करा दो। ये धोती इन्वेंट करने वालों को लड़कों से कुछ प्रॉब्लम है। प्रधान ने सिखाया तो था, पहले ऊपर से फिर नीचे से। Shut up! वहां खड़ी होके दांत मत दिखाओ, जाओ और बांधो इसे। मैं क्यों बांधू? मैं तुम्हारी बीवी थोड़ी हूं। कोई काम करने के लिए बीवी होना जरूरी नहीं होता। और तुमने ही कहा था ना, मैं हमेशा मले की केयर करूं। अब आओ और करो। हाँ, मैं तुम्हारी केयर टेकर हूं, कोई धोती बांधने वाली नहीं। तुमने ही मुझे और इस घर को संभालने की जिम्मेदारी ली थी, अब निभाओ, वरना मान लो कि तुमने जो भी प्रॉमिस किए थे सब झूठे थे। What? एक काम नहीं किया तुम्हारा तो तुम्हारे लिए मेरे सारे प्रॉमिसेस झूठे हो गए। थोड़ा जल्दी करो। थोड़ा जल्दी करोगी? गुड जॉब। ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, बस ऐसे।
नाइस। ये चोट एक छोटी सी कीमत है मलय, सच पता करने की, उस काली शक्ति का सच। और वो इनमें से कोई भी हो सकता है। अप्पू, मैंने आज भी दरवाजे पे नींबू मिर्ची लगाने की कोशिश की, लेकिन इसकी हालत देख। मुझे पूरा यकीन है इस घर में कोई ना कोई बुरी शक्ति जरूर है। अप्पू माँ, आप डरो मत, क्योंकि आज हल्दी की रस्म में उस बुरी शक्ति का चेहरा सबके सामने आ जाएगा। हल्दी से सेम सेम लगेंगे, येलो येलो है ना। आप देखना अभी भैया, आज आप इस हल्दी के बाद एकदम हैंडसम दूल्हे राजा हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हल्दी इतनी सी और लोग इतने सारे। हाँ माँ, मैं ना बड़े बॉल में हल्दी ले आती हूँ। सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। कम ऑन, सॉरी अगेन। तुम रहने दो। तुम दोनों ऐसे क्यों खड़े हो? लुकिंग वेरी प्रिटी। अरे, डिजाइनर कुर्ते पे अच्छा डिजाइन बनाया अपू ने, तुमने किया ये? गलती से हो गया मासी। अब रानी साहिबा, सॉरी। चलिए आप भी अभी और चिक्की को हल्दी लगा दीजिए। हल्दी की रस्म तो मुझे बहुत पसंद है। मलय, बस स्माइल करो, हो गई गलती, सॉरी बोलो। ये रही हल्दी। इसमें मैंने काली माता के मंदिर की मिट्टी मिलाई है, ताकि इसके बाद अगर कोई ऊपरी ताकत या बुरी शक्ति इस घर में अगर है, तो उसके इस हल्दी को छूते ही हमें तुरंत पता चल जाएगा। लड़की है तू, बहुत शक्तिशाली लेप है ये, इसे गलती से भी मत छूना। मैं बस देख रही थी माँ कि इस लेप को छूकर उस बुरी शक्ति का क्या हाल होता है, और इस चक्कर में तूने अपना हाथ चला लिया। चलिए आप लोग भी आइए, हल्दी लगाइए अभी और चिक्की को। अगर कोई बुरी ताकत इन मेहमानों में छुपी बैठी है, तो आज उसका पता चल जाएगा। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। Ah!
मुझे तू तो पराया हो गया रे। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब मंदिरा तुम भी तो लगाओ बच्चों को हल्दी।